एक महापुरुष ने कहा है, मुझे सब पता है कौन कौन मुझसे सड़ते हैं, मेरे बारे में वाहियात बातें करते हैं, पीठ पीछे पौके मुंह पे पाजी पाजी करते हैं, ऐसे लोगों को राम राम मेरी दूर से, वो भी क्या करें बेचारे हैं मजबूर से, अब तक पापा की पॉकेट मनी पे पलते हैं। यार ये तो सूट नहीं हो रही लाइन, क्या हो रही है? अगर हनी सिंह ना होता तो रफ्तार को खाना कौन देता? मैं तो ये सोच रहा हूं गाइस, देखो सीधी सीधी सी बात है, मेरे पास तीसरी वीडियो से ज्यादा उसके लिए कंटेंट है नहीं, क्योंकि करियर ही इतना सा बेचारे का, 12-15 साल मरवाने के बाद आप मेन स्ट्रीम कोरस आर्टिस्ट बनते हो, तो भैया और क्या बचेगा यार जिंदगी में। चलो यार, तुम्हारी स्ट्रगल के ऊपर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुमने बहुत स्ट्रगल करी होगी, स्ट्रगल हनी सिंह के अगेंस्ट कंटेंट ढूंढने में, पर बहन चो सीरियसली इस चूतिए के अगेंस्ट कंटेंट ढूंढने में मेरे को 10 मिनट नहीं लगते, मजाक की बात नहीं, सच्ची कह रहा हूँ। देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी को बीफ करो, किसी को डिस करो, तुमने डिस किया होता, बीफ किया होता, काम के बारे में बात करी होती ना, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे पर्सनली प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ से हुई, तुमने जो डिप्रेशन वाली बात बोल दी, फिर उसके बाद तुमने बॉडी शेमिंग करी, डेट टन कुछ ऐसे ही बोला था, डेट टन का बस ऑन्ड है ना वो तेरे साथ वाले टट्टे ने। तो गाइस ऐसा है, आज मैं यहाँ पे इस वीडियो में हम इस मुद्दे को समाप्त कर देंगे, क्योंकि फिर एंगेजमेंट रोते हैं, इन लोगों को ऐसी चूती एंगेजमेंट तो चाहिए जिसमें लोग इन्हें शेमोनी और रफ्तार बोले, चूतिया बोले, पुद्दू बोले, गालियां दें, ये एंगेजमेंट है इनकी, ये इनकी स्ट्रगल की औकात है। लिख के गा के ये कुछ नहीं कर सकते, लिखने गाने के लिए जब कोरस में इन्हें गाना पड़ता है ना, रे मम्मा ए रे मम्मा ओ जरा बाइसेप ट्राइसेप, ओ हो, अगर हमारा कोई बंदा बाइसेप फुला ले तो उसका 3 पॉइंट ओवर रिटर्न हो जाता है, ऐसा ही कुछ बोल रहे थे इंटरव्यू में, उसका तो हो गया काके। मैं सोच रहा था कि तीसरी वीडियो में इसके लिए क्या लेकर आऊं, मैं कंटेंट ही खत्म हो गया इसके लिए। फिर बॉलीवुड के किंग सलमान खान ने भी रोस्ट कर दिया, आप तो डायरेक्टली नहीं किया, कुछ इंटरव्यूज पहले उनसे किसी ने पूछा था कि हु इज योर फेवरेट रैपर, और उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे ये ड्रॉप किया, माय ब्रदर यो हनी सिंह, ये अपने बाप को, चलो यार बाप बाप नहीं बोलते, वैसे एक बात बोलूं, पाजी बोल भोसड़ी के, इसका जवाब तेरे को मैं देता हूं, अब तू डैडी बोलेगा भोसड़ी के, क्योंकि पाजी तो सलमान खान बोलने लग गया सलमान हनी को, माय ब्रदर यो हनी सिंह, और सलमान खान की फिल्म में कोरस में है ना ये। हम बंदे के लेवल की बात करते हैं, औकात लेवल है ना, ये बहुत औकात औकात लेवल लेवल करते हैं ना अपनी बातों में, मैं तुम्हें बंदे के लेवल स्ट्रगल की बात बताता हूँ। और हाँ एक चीज याद रखना, आज उनको जवाब दे के जाऊंगा जो बोल रहे हैं ना कि ये डिप्रेशन वाली बात, दारू वाली बात हनी सिंह ने अपनी वीडियो में बोली थी, उसका जवाब देंगे आज मेरे बेटे, कमेंट में मेहनत मत करो, उसका जवाब मैं अभी दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सलमान खान को किसी ने पूछा, ये तो मुद्दा खत्म हो गया, वैसे कल ही खत्म हो गया, लव यू छोटे मोटे, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो बच्चों के लिए गाना है, जो भी है, सलमान खान बैकग्राउंड में नाच रहा हनी सिंह के साथ, साइड पे चार मेन स्ट्रीम एक्टर खड़े हैं, फोटो देखोगे, ये लो। पहले मैं तुम्हारी उसी बात का जवाब देता हूँ, बाकी बाद में देखते हैं, कि डिप्रेशन, दारू और बाइपोलर डिसऑर्डर वाली बातें हनी सिंह ने पहले बोली, रफ्तार ने तो सिर्फ रिपीट कर,
इस बहन चोद को हनी सिंह का नाम लेने की जरूरत भी क्या पड़ गई? पाजी बोल भोंसड़ी के, नहीं डैडी बोल भोंसड़ी के, क्योंकि पाजी तो सलमान खान बोलते हैं। मेरा भाई यो यो हनी सिंह, माय ब्रदर यो यो हनी सिंह। भाई साहब कल तो बहन चोद नींद नहीं आई होगी बेचारों को। क्या ही बोलूं मैं, मतलब चलो अब डिप्रेशन वाली बात पे आ जाऊँ, बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो मतलब वो बाद में बात करेंगे, मजे लेंगे। पहले एक चीज़ और बता दूँ, मेरे को अभी कल किसी ने बोला कि कल मैंने एक बड़ी सही चीज़ नोट कराई कि जब आप किसी को डिस कर रहे हो, आपके पास कलम है, आप बोलते हो, आप लिख सकते हो, आप गा सकते हो, तो लिख के गा के ढंग के गाने ऊपर उठो, डिस करके किसी के साथ धोखे करके, धोखे वो धोखा और दिलासा तो तुम लोग ही कर सकते हो सिर्फ, है ना। मुंह फाड़ हो गया और कितने नाम लो यार, चल छोड़ो। मुंह फाड़ के साथ तो मैंने एक लाइव भी देखी थी जिसमें ये बोल रहा था कि मैं मुंह पे मुतवाऊंगा, ऐसे ही कुछ बोल रहा था ये। अभी कर्मा को उसको बुरा लगता होगा कहीं ना कहीं। लाइव ले ले, अभी अभी लाइव ले ले उसको, अभी लाइव ले ले, अभी तो तेरी तरह नहीं है वो, अभी लाइव ले ले उसको, मुंह पे मुतवा जाऊंगा अगर वो ये बात बोलेगा। रैप करना छोड़ दूंगा भाई, रैप करना छोड़ दूंगा, तेरी तरह थैंकलेस लोग नहीं होते। सुसु करना, इतना सुसु लाते कहां से हो तुम, हमारे पास तो इतना नहीं है, हैं और रखते कहां, ये तालाब तुमने भरा। हनी सिंह ने अपनी इंटरव्यूज में ये बात बोली कि डिप्रेशन को सर्दी जुकाम की तरह लो। एंग्जायटी डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, वो एक सर्दी जुकाम है। साइकेट्रिस्ट के पास मत जाओ अगर आपको सिर्फ एंग्जायटी और डिप्रेशन है। बाइपोलर डिसऑर्डर को सर्दी जुकाम की तरह लो, डॉक्टर वॉक्टर की इसमें जरूरत नहीं है, दारू पी लो। अब मैं तुम्हें इसका कंटेक्स्ट बताता हूं, फिर मैं तुम्हारे टट्टे रफ्तार की बोलने का कंटेक्स्ट बताऊंगा। डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एक्चुअली सिर्फ एक ही तरह का मेडिकेशन होता है, जिसके अंदर होती है मैक्सिमम ट्राई टू मेक द पर्सन स्लीप, कि वो बंदा ज्यादा से ज्यादा सोए, वो बंदे का माइंड रिलैक्स्ड रहे और वो प्रेशर ना ले, वो टेंशन ना ले। हनी सिंह ने इसी कंटेक्स्ट में बोला कि एक्चुअल में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवाई ववाई के अंदर तुम्हें मैं बता दूं, जो नींद की गोलियां वो लोग देते हैं मैं नहीं बताऊंगा उसके अंदर क्या होता है, वो एक सॉल्ट होता है जो बैंड सॉल्ट है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा फालतू का ट्राई करे, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मेरे घर में ये चीज़ मैंने देखी है, ठीक है, वो बैंड सॉल्ट है, उसका नाम नहीं ले सकते हम, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूँ कल को कोई बंदा गलती से ले ले, वो चीज़ हम नहीं करेंगे। तो मैं बताता हूँ, वो रिलैक्स करने के लिए कि वो इंसान 6 से 8 घंटे की नींद ले ले, जो बंदा कई दिनों से सो नहीं पा रहा है उसे सुलाने के लिए वो मेडिकेशन यूज़ की जाती है, ठीक है। हनी सिंह ने वही बात बोली और डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि थोड़ी बहुत दारू और विस्की आप ले सकते हो। मेरा पॉइंट फॉलो कर गए ना, कि थोड़ी बहुत दारू और विस्की आप ले सकते हो, किसी भी साइकेट्रिस्ट को जाके पूछ लो। दोस्तों रिसर्च बताती है इफ़ यू ड्रिंक वाइन इन अ लाइट टू मॉडरेट अमाउंट देन योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज आर लेस देन एज कंपेयर टू पीपल हु डोंट ड्रिंक अल्कोहल और हु ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल। और हाँ, साइकेट्रिस्ट की जरूरत एक्चुअल में, साइकेट्रिस्ट भी बोल देगा तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, चिल कर, सिंपल स्पष्ट शब्दों में। जो ये नीचे कमेंट करते हैं ना कि रफ्तार ने सिर्फ रिपीट किया था, हनी सिंह के कहने का मतलब क्या था और रफ्तार का डिफरेंस यहाँ पे आता है। हनी सिंह ने कहा था कि एक्चुअली तुम्हें डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, ये सर्दी जुकाम की तरह ही है, अपना टाइम लेता है और ठीक हो जाता है, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, इससे बेटर दारू पी लो, टेंशन मत लो, तुम दारू पियोगे थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे गिर पड़ के सो लेकिन सो जाओ। उस टाइम पे इंसान की जो मेंटल कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि उसके आसपास की हर चीज़ से वो डरता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा होता है। डिप्रेशन में या बाइपोलर डिसऑर्डर में कभी वो बंदा खुद सफ़र नहीं करता,
एक्चुअल में उसका परिवार सफर करता है। तुम्हें पता है डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर में ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे पेशेंट्स मेडिसिन तक नहीं लेते, घर वालों से लड़ते झगड़ते मारते पीटते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें दवाई नहीं चाहिए। तो उस केसेस में डॉक्टर बोलते थे कि थोड़ी बहुत विस्की अगर पीते हैं तो पिला दो। हनी सिंह के कहने का कंटेक्स्ट ये था कि जिसको भी है रिलैक्स करो, चिल करो। अब इस चूतिए की बात करते हैं, इसका कंटेक्स्ट सबको पता है क्या था। शराब पिलो सब ठीक हो जाएगा, हम माँ बाप के साथ भी बैठ जाते हैं और कभी कभार तो मतलब ये सब बेकार की चीजें होती है, कुछ होता थोड़ी है, मुड़ हाँ, थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता भाई। मजाक उड़ाना डिप्रेशन का, बाइपोलर डिसऑर्डर का, सर्दी जुखाम वाली बात का, है ना? क्यों? क्योंकि अब आ रही है वेब सीरीज इसकी, फिर आ रहा है एक गाना कमर्शियल ट्रैक, मैं उस पर भी रिएक्शन करूंगा, बहुत अच्छा रिएक्शन करूंगा, वेट करना। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है इसके ऊपर। अगर तुम्हें ये बात रिपीट ही करनी, हनी सिंह ने कहीं पे ये बात तो नहीं बोली थी कि 1.5 टन का बसौंड हो गया था। प्लीज इट्स माय कमबैक, यू कैनॉट लाफ लाइक दैट। आपने देखा है, आपने मुझे बोला था रफ्तार भैया, मुझे 2.5 साल से देख रहा, आपने देखा ना कैसा 1.5 टन का बसौंड था। अब मैं आ गया शेप में, थोड़ा बहुत जिम चला गया, कमबैक तो बोल ही सकते हैं। फिर मैंने हनी 3.0 निकाला, नहीं ये तो इन्होंने ही बोला ना, बॉडी शेमिंग तो करी, ये तो रिपीट नहीं कर रहा ना तुम्हारा बाप रफ्तार भोसड़ी वालों, समझ रहे मेरी बात? मैं यार देखो, मैं ना तुम्हें एक चीज समझाता हूं, अगर मैं हनी सिंह को फॉलो करता हूं, हनी सिंह का मैं फैन हूं, खैर हनी सिंह के फैन कौन कौन है तुम्हें दो पोस्टें दिखाता हूं, ये एमसी स्क्वायर ने डाली, फिर वही पोस्ट पैराडॉक्स ने शेयर करी है, डीनो जेम्स तक ने ये पोस्ट डाल दी सपोर्ट में, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग यार। और अगर मैं हनी सिंह को फॉलो करता हूं, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने हनी सिंह का नागन गाना ही सुना है? मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखे होंगे? मुझे बता रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है, फैक्ट्स देख लिया करो, गांडू हो तो मेरी सारी वीडियोस चेक करना, उसमें कितने फैक्ट्स हैं, तुम पूरी वीडियो देखा करो, तुम्हारी तरह वैंचो चुतियापा नहीं करता मैं कि हाँ 10 सेकंड की वीडियो देखी, स्किप मारा 5 मिनट का, फिर 10 सेकंड की वीडियो देखी। अगर पूरी वीडियो देखोगे ना तुम्हें कंटेक्स्ट समझ में आएगा, साले स्किप ओ फाइड। फिर बोलते हैं कि हाँ इन्हें रफ्तार के टट्टे क्यों बोला जाता है, वैसे रफ्तार होना ही अपने आप में गाली है, उसके बाद ये दो टट्टे साथ में थे, बताओ उनको तो हमने चलो फुटेज ही नहीं दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब कमर्शियल ट्रैक आएगा तो क्या होगा, लोग ऐड लगाएंगे, फिर उस पर 15-20 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। गाने तो पिछले 5 साल में भी आए हैं, सब्सक्राइबर 3.25 मिलियन से 4 नहीं हुए। मुझे तो ऐसे लग रहा है अगर मैंने 10-12 वीडियोस मैंने बना दी ना, तो इसके 4 मिलियन या 5 मिलियन होने से पहले मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा। और मैं तो अपनी वीडियो में अब बोलना ही बंद कर दिया कि भैया तुम सब्सक्राइब करो, अब बंद कर दिया आज से, इस वीडियो से, पहले से नहीं, देखो पता है तुम लोग उठा के डालोगे, ये देखो बोल रहा है, फिर इसने पहले तो बोला था। हर यूट्यूबर अपना एक चैनल बनाता है ना, तो वो व्यूज के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाता है। यार देखो मैं जानबूझ के गालियां नहीं दे रहा, अभी तक मैंने इस वीडियो में उतनी ही गालियां दी हैं, अगर तुम रिसर्च करो और फैक्ट्स के ऊपर बात करो तो मैंने उतनी ही गालियां दी हैं जितनी ये चूतिए रफ्तार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी, ढूंढ लेना मिल जाएंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो फुटेज उठाऊं फिर उसको काटूं फिर इसमें लगाऊं, जितना मेन होता है काट पीट के हम डाल देते हैं, ठीक है? और हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, ज़्यादा दिक्कत है मेरी डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, मैं वहाँ पे सिर्फ बिजनेस कोलैबोरेशंस और प्रमोशंस के लिए ईमेल आईडी नहीं देता। आगे मैंने एक और चीज़ लिखी है, वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तुम्हें पता लग जाएगा, हमारी आरजी आर्मी भी है छोटी सी, वो लिखेगी तुम्हें पता चल जाएगा। योयो आर्मी तो चलो जो मेरे को सपोर्ट करेगी उनको लगेगा मुझे सपोर्ट करना, करे ना करे बात की बात है। मुझे किसी यूट्यूबर को पैसे दे के या हेडफोन बांट के किसी को डीफेम करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे बोलना है ना
सामने से बोलूंगा, वीडियो के अंदर बैठ के बोलूंगा, फेसलेस वीडियो बना के या इनडायरेक्ट वे में नहीं बोलूंगा, समझ रहे हो? एंड जो अलग ही लेवल के चूतिए हैं यार, मतलब मैं यही सोचता हूँ कि छोड़ो यार, मतलब इससे ज़्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। और हाँ, इस टॉपिक को आज से खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुझे माफी नहीं मिलेगी। यूट्यूबर्स वाली बात करूं, सब्सक्राइब कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे 4 मिलियन उससे पहले हो जाए, हम ट्रेंडिंग में आ जाए, हमें ऐड लगा के 15 मिलियन पे ना आना पड़े, फिर भी हम ट्रेंडिंग में ना आए। बिना ऐड लगाए ट्रेंडिंग में कैसे आते हैं? नागन देखो जाके। बाय बाय। बेटा रा रा रा, याद दिलाऊं क्या? हम सैड ये करना पड़ा यार।